क्रांतिकारी जय भीम इलाश्राम साथियों, मैं आज आप लोगों से बात करने के लिए आया हूं, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ लोगों का वो पैर धुल रहे हैं, पांच लोगों का, जिसमें दो औरत हैं और तीन जेंट्स हैं, जो कि वो लोग काम क्या किए हैं कि कुंभ के मेले में वो लोग ड्यूटी कर रहे थे, सफाई कर्मी है, मेरे ख्याल से सफाई कर्मी कर्मचारी है। तो मैं ये बात करने के लिए आया हूं, जो देश के लिए शहीद हुआ और जिसने देश के लिए अपनी जान दे दिया, उस पीड़ित परिवार के घर पे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी उस घर पे नहीं पहुंचते हैं, और जो कुंभ के मेले में जो ड्यूटी किया उसके घर पे पहुंच के उन लोगों को बकायदा तरीके से, उनको सम्मान के तरीके से उनको बुलाकर उनके पैर को धुला जाता है और अच्छे तरीके से उनको सम्मान दिया जाता है, और जिसने देश के लिए अपनी जान दे दिया उसको, उसके बारे में कोई भी सुनवाई, कोई भी चीज, कोई भी ख्याल उसके बारे में नहीं है। इसका मतलब ये पता चलता है, सफाई कर्मी, देखिए अच्छी बात है, सफाई कर्मियों को भी सम्मान देना चाहिए, लेकिन बॉर्डर पे जो है सबसे पहले लड़ने के लिए हमारा जाता है तो हमारे देश का जवान, ये पूरे देश के जितने भी नौजवान हैं, जो भी आर्मी के नौकरी कर रहे हैं, सभी लोगों के साथ ये नाइंसाफी है, ये पूरे देश के साथ ये नाइंसाफी है। इनके जवान सीआरपीएफ के, अगर हमारे देश की जो सेना है अगर वो सीमा पे ड्यूटी ना करे तो क्या आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं मैं भी एक वीडियो नहीं बना पाऊंगा, आप लोगों के सामने ये बात नहीं रख पाऊंगा। और जो प्रधानमंत्री जी हैं जो इतनी दूर जाकर वो इस तरीके से जो बोलने का काम कर रहे हैं वो बोल नहीं पाएंगे। तो साथियों, मैं यही आप लोगों से बात करने के लिए आया था, जो कि, और आपको बता दूं कि भाजपा के अंदर कुछ ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं कि कुछ ऐसे, एक दिन मैं वीडियो देख रहा था, पता नहीं वो क्या फेक है कि क्या है, खुफिया एजेंसी जो कि पाकिस्तान के लोगों को सूचना दे रहा था, वो भी एक, जैसे कि जैसे बोला जाता है ना, वो भी एक क्या नाम है, वो उन लोगों को रिपोर्ट दे रहा था, वो क्या नाम है, अपने क्या नाम, भाजपा का ही नेता था। तो साथियों, कहीं ना कहीं भाजपा के लोगों में गद्दारी कर रहे हैं इस देश के। अगर मेरे घर में अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, अगर मेरे घर का अगर कोई सदस्य अगर सही है तो तीसरे को पता नहीं चलेगा। तो आखिर जब हमारे देश के वो नौजवान, जब 2500 नौजवान जब वो जा रहे थे तो उन लोगों को, पाकिस्तान वालों को कैसे पता चला कि क्या नाम, वो लोग कहीं जा रहे हैं, क्या नाम है, हिंदुस्तान की सेना कहीं पे जाएगी। कहीं ना कहीं मेरे साथियों, आप हमारे देश में ही कमी है, हमारे देश के ही लोग गद्दार हैं, हमारे देश के ही लोग गद्दारी कर रहे हैं। और जो 42-45 जवान जो शहीद हो गए वहां पर, उन उस पीड़ित परिवार के घर प्रधानमंत्री जी नहीं पहुंचते हैं, और प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं, जो कुंभ के मेले में जो ड्यूटी करता है उसके घर पे पहुंच के उसको बुला के बकायदा तरीके से उसको सम्मान दिया जाता है, उसके पैरों को धुला जाता है, और जिसने देश के लिए जान दे दिया उसके लिए कुछ नहीं है। ये जो भी है ये नाइंसाफी है। ये प्रधानमंत्री जी से मैं ये कह देना चाहता हूं कि अगर आपको राजनीति करनी है तो जनता के सामने आके करो, लेकिन जवानों के साथ, देश के सेनाओं के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए, कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का हो। अगर जवानों के साथ अगर नेतागिरी करने पे आए आप लोग, राजनीति अगर नौजवानों के साथ हुआ तो साथियों आप लोगों को ये बता दूं कि मैं आके जरूर कर दूंगा। तो ये भी जो प्रधानमंत्री जी ने इस तरीके से जो काम किया, ये बिल्कुल ये मेरी तरफ से एकदम गलत है। उनको सबसे पहले पीड़ित परिवार से जाके उनको मिलना चाहिए, उनके दुखों को, उनको दर्दों को समझना चाहिए पहले पीड़ित परिवार से, तब जाके वो चाहे सफाई कर्मी को, चाहे जिसका मर्जी, उसको जाकर दे सम्मान। सम्मान देने के लिए मैं रोक नहीं हूं, हर किसी का सम्मान बनता है, चाहे वो सफाई कर्मी का नौकरी करे, चाहे वो एक चौकीदार का नौकरी करे, कुछ भी करे नौकरी, उसको सम्मान देना चाहिए। लेकिन सबसे पहले अगर इस देश में अगर किसी को सबसे ज्यादा अगर सम्मान देना चाहिए तो सबसे पहले हमारे देश की जो सेना है उसको सम्मान देना चाहिए। अगर हमारे देश की अगर वो सेना ना रहे तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इतनी ताकतवर से और जहां मर्जी वहां चले जाते हैं तो वो नहीं चल पाते और वो आज प्रधानमंत्री नहीं होते। ये कह देना चाहता हूं, भारत का संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तो लिखा है, लेकिन भारत का संविधान उन्होंने लिखा है चलाने के लिए, उसको बिगाड़ने के लिए नहीं। तो अगर इस देश की सेना नहीं होती तो शायद मेरे ख्याल से बाबा साहब भी संविधान को नहीं लिख पाते। तो सबसे पहले सेना को सम्मान मिलना चाहिए,
और संविधान के तौर पे भी मिलना चाहिए सेना को। आज जब भी होता है भाजपा के लोग संविधान का भी उल्लंघन कर रहे हैं, संविधान के उल्लंघन करते करते जब वो लोग थक गए कि अब वो लोग जान गए कि अब दलित ये चलने नहीं देंगे, तो अब क्या करेंगे, वो देश के क्या नाम सेनाओं के साथ राजनीति होना चालू हो गया। ये जो भी हो रहा है साथियों, ये सेनाओं के साथ ये नाइंसाफी हो रहा है, और इस चीज को हमें सभी देशवासियों को, कोई अपने इस चीज को पार्टी में ना ले। देश की जो सेना हो किसी पार्टी से नहीं है, ना वो भाजपा से ना कांग्रेस से, बस वो ये जानती है कि दुश्मन कहाँ खड़ा है, और दुश्मन अगर हमारे क्या देश पे अगर हमला करता कुछ करता है, आंख उठाने के देखने की कोशिश करता है, तो हमारे देश की जो सेना है उसको निकालने की कोशिश करती है उसकी आंखों को। तो सेनाओं के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये मैं कह देना चाहता हूँ। देश की सरकार सुन ले, और जो भी हो जितने भी नेता हो, सबसे कह देना चाहता हूँ कि देश के सेनाओं के साथ आर्मी के फौज जितने भी आर्मी फौजी जो भी है, इन लोगों के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो ये मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया था साथियों। और प्लीज अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो मेरे लिए मत इस वीडियो को शेयर करना, उस देश के नौजवानों के लिए इस वीडियो को जरूर आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूले। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।